आज की स्थिति ये है कि इनके मुखिया देश के प्रधानमंत्री जी फोन करके धमकी भी देने लग गए। क्या स्थिति हो गया आज देखने वाले देश में, रेपिस्ट को माला पहना करके जेल से छुड़वा देते हैं अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्यों में जो रेप करने वाले लोग हैं उस पर समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का रहता है अध्यक्ष महोदय, और यहां की अंकिता बच्ची की एक घटना होती है तो उस पर हवाई जहाज से उड़ के आते हैं अध्यक्ष महोदय, और वहां पर दूसरे राज्यों में इनकी हत्या कराते हैं अध्यक्ष महोदय। क्या बात करेंगे, हत्यारे लुटेरे और ये मॉब लिंचिंग करने वाले लोग को ये माला पहनते हैं, क्या सामाजिक समरसता ये बनाएंगे देश में। अध्यक्ष महोदय, आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को हमेशा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अध्यक्ष महोदय वर्तमान सरकार इस राज्य के बहुसंख्यक जो यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़े हैं इनको इतना जो मजबूत करेगी कि ऐसे सामंती विचार वाले को मुंहतोड़ जवाब देगी अध्यक्ष महोदय आने वाले समय में। अध्यक्ष महोदय, हाँ ईश्वर तो आपके जेब में है, ईश्वर इनके जेब में रहते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये लोग राम, ये लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा के नाम पर लड़वाकर वोट मांगते हैं, हम लोग सबका पेट भर करके और उनको स्वरोजगार दे करके उनको पैरों में खड़ा करके वोट मांगेंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, देश जान चुका है इनके षड्यंत्र को अध्यक्ष महोदय, इनके बड़े बड़े व्यापारी देश लूट करके विदेश जाकर से सेटल हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और यहाँ किसान बेचारा 5,000 रुपया अपना कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसको जेल में डाल देने का काम करते हैं, बड़ा दुर्भाग्य। अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में सीएनटी एसपीटी स्थानीयता 1932 का जो विषय रहा है, और अध्यक्ष महोदय इस सदन को इस राज्य को गर्व है, आज आदरणीय दिसंबर शिबु सोरेन जी के नेतृत्व में ये राज मिला, आज उसके सुपुत्र के नेतृत्व में 1932 का खतियान इस राज को दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, और ओबीसीओ का जो वास्तविक वाजिब हक है 27% का आरक्षण पुनः बहाल करने का ये कानून पारित कर रही है अध्यक्ष महोदय। भानु जी, दूसरे पार्टी में रह करके यही भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर गाली देते थे, आप गोद में जाकर के बैठ गए और कितना बचेगा, अरे घुटना टेकना आप लोग जानते हैं, आदिवासियों में ना डरना ना घुटना टेकना हमारे डीएनए में नहीं है, ये आप लोगों में है। इनके रिश्तेदार जब इनके लोगों को पकड़ती है लाखों करोड़ों रुपए के साथ तो उनको बाइज्जत घर छोड़ के आती है, और जिसके यहाँ एक चावल का दाना नहीं मिलता है उसको जेल में ठूस दो, ये है। वो एक कहावत है ना अध्यक्ष महोदय, मुझे याद नहीं आया, वो एक गाना है, जा गए सिया राम सिया, हाँ अध्यक्ष महोदय वो गाना क्या था, ऐसा कलियुग आएगा हंस चुगेगा दाना, कौआ चुगेगा, कौआ मोती खाएगा, वही हाल है इनका अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय आप राजनीतिक तौर पर इनके अब ये हाथी पर जाने का आप काउंट डाउन शुरू हो गया अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के लोगों को इससे डराने का कोई जरूरत नहीं, हम लोग जेल में भी रह करके आपका सुपड़ा साफ कर देंगे, चिंता मत, धन्यवाद, जोहार।